कोरोना वायरस और मुस्लिम दुनिया के बिगड़ते माशी हालात, सऊदी अरब में बगावत का खतरा। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया को मुतासर किया है, वहीं मशरकी वस्ता के ममालिक भी उससे महफूज नहीं। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जहां कोरोना वायरस के साथ साथ बगावत का खतरा भी मंडला रहा है। सऊदी अरब के कई शहरों में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज है। 150 के करीब शहजादे कोरोना का शिकार भी हो चुके। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की खैरियत के बारे में कोई मसद्दक का खबर नहीं, जबकि सऊदी बादशाह के बारे में कहा जा रहा है कि वो ख़ुद को एक जजीरे में मुंतकिल कर चुके। सऊदी अरब के अहम मकामात फ़ौज की कंट्रोल में हैं। कोरोना वायरस और पेट्रोल बहरान ने सऊदी अरब की मईशत को ज़बरदस्त धचका पहुँचाया है। IMF के मुताबिक तेल की गिरती हुई आलमी कीमतें सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा धचका हैं। कोरोना के बायस मक्का और मदीना बंद हो जाने के बाद सऊदी अरब को इससे होने वाली आमदनी को भी शदीद तरीन नुकसान पहुंचा है। IMF के मुताबिक इन हालात में सऊदी अरब इस साल कसाद बाजारी का शिकार हो जाएगा और इसकी मईशत 2.3% सुकड़ने का इम्कान है। इसी तरह तेल की बरामद पर इन्हिसार करने वाले दीगर मुल्कों के मालियाती ज़खायर में कमी आ रही है, जबकि कोरोना से निमटने के लिए उनके अखराजात में इजाफा हो रहा है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया है कि कोरोना का बहरान मुस्लिम दुनिया में पहले से मौजूद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम और बेरोज़गारी को कसाद बाजारी की तरफ धकेल रहा है। आलमी मालियाती इदारे कहा कि मशरक़ वस्ता के ममालिक को कोरोना वायरस और तेल की गिरती हुई कीमतों से थोड़ा झटका लगा है। बुध को एक बयान में IMF ने खबरदार किया कि अगर हुकूमतें कोरोना के चैलेंज से मौसर तरीके से निमटने में नाकाम रहीं तो मुस्लिम ममालिक समाजी बेचैनी और अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो जाएगा। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक खत्ते में सबसे बड़ा चैलेंज जंग से मुतासरा यमन, अफगानिस्तान और इराक का है। साथ ही वो मुल्क जहां पनाह गजीरों की बहुत बड़ी आबादियां हैं इस बहरान से बहुत बुरी तरह मुतासर होंगे। इनमें लबनान, अर्दन और पाकिस्तान शामिल हैं। IMF ने इन 6 ममालिक के लिए मनफी पैदावार की पेशनगोई भी की है। कोरोना वायरस की वबा की वजह से चर्च, सीनागोग और मसाजिद मसीहियों, यहूदियों और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तमाम के तमाम बंद हैं। DW के क्रिस्टोफ स्टार्क के मुताबिक ये हालात इन मजाहिब के पैरोकारों के लिए एक गैर अमूमी सूरतहाल का बायस भी हैं। मशरक़ वस्ता में कोरोना के कोई 2.25 लाख केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 6,600 अमवात भी हुई हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क ईरान है। ईरान पहले ही सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आयद करदा अमरीकी पाबंदी की वजह से कसाद बाजारी का शिकार है, लेकिन इस आलमी वबा ने तेहरान हुकूमत पर इक्तसादी दबाव मज़ीद बढ़ा दिया। ऐसे में IMF के मुताबिक इस साल ईरानी मईशत 6% तक सुकड़ने का इम्कान है। हालिया दिनों में ईरान ने बहुत मजबूर होकर 6 दहाइयों में पहली बार आलमी मालियाती इदारे से $5 अरब के कर्जे के लिए रुजू किया। इस सूरत हाल से मुतासर होने वालों में अलजज़ायर, बहरीन, इराक और अमान जैसे मुल्क शामिल हैं। खलीजी ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी तेल की आलमी कीमतें क्रैश कर जाने के बायस माशी सुस्त रवि का शिकार होंगे। फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स और सियाहत बंद हो जाने से इन ममालिक की माशी सरगर्मियों को बहुत बड़ा धचका लगा है। IMF के मुताबिक इस साल मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत 3.5%, जबकि कतर की मईशत 4% तक सुकड़ने का इम्कान है। इधर मिस्र में भी सियाहत की सनत बैठ जाने और तारकीन वतन की तरफ भेजी जाने वाली रकम में नुमाया कमी के बाद गुर्बत में मजीद इजाफे के खदशात मौजूद हैं। मिस्र में जनरल सीसी के शख्सी इकदार को 7 बरस होने को आए और उन्हें अमेरिका की हिमायत और IMF की मदद हासिल रही है। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक मौजूदा हालात में मिस्र में कसाद बाजारी का इम्कान नहीं, ताहम माशी शेरा नमू 5 से गिरकर 2% होने की तवक्के है।
कोरोना के चैलेंज ने जिस अंदाज से दुनिया को हिलाकर रख दिया, इसका मुकाबला करने के लिए IMF ने हुकूमतों पर यह जोर दिया कि वो तरजीही बुनियादों पर अपने वसाइल सेहत का निज़ाम बेहतर करने पे लगा दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।